Welcome to AJ Classes. Today I would like to share with you an interesting topic of important Governor General and Viceroy of India. Okay, this is a long topic which I thought of sharing with you all, and this is a very important topic. As you might know that most of the question arises from this topic, in which era or during whose Viceroyship or Governor Generalship road was constructed, like PWD was started, PWD, Public Works Department, then Post Office किसके time पे start हुआ. इस तरह से काफ़ी questions arise होते हैं, तो इसलिए ये वाला topic जो है काफ़ी interesting है. हम लोग सिर्फ go through करेंगे important details of events जो कि took place हुआ during each and every इम्पॉर्टेंट वाइसरॉयस या फिर गवर्नर जनरल. जैसे कि आपके स्क्रीन पे है रॉबर्ट क्लाइव, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इनको दो बार रेन करने मिला, एक बार 1757 से 1760 तक का, फिर मैं सेमी कॉलन दिया हूँ बीच में, फिर 1765 से 67. तो इनके टाइम में क्या हुआ ये देख लीजिए आप. इनके टाइम में हुआ कि ही ब्राउट द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल. डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल का था वो स्टार्ट किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने, जब उनको दीवानी ऑर्डर मिल गया था शाह आलम टू से एट इलाहाबाद इन 1765 टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. नेक्स्ट जो पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला जो था उनको बैटल ऑफ प्लासी में हराया था, और मुगल किंग शाह आलम टू को 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में हराया था. तो ये था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में. अब जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आने वाले उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स. तो इनके टाइम में क्या हुआ था वो आपके स्क्रीन में आएगा. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है. उनका रेनिंग पीरियड था 1771 से 1785 तक का. इनके टाइम में जो डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था इनके टाइम में ये एंड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको और डिटेल में हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ सकते हैं, या जब हम लोग पॉलिटिक करेंगे तब और डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने बंगाल के बाय दिस एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भी बना है हमारे इंडिया में. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता, कलकत्ता जो बना है उस समय कलकत्ता था, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत बना. फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो कि 1775 से 82 तक का हुआ, तो ये वार भी इन्हीं के टाइम पे हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे. और ये वार का एंड ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ हुआ था 1782 में. नेक्स्ट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सर विलियम जोन्स के बारे में. सर विलियम जोन्स का क्वेश्चन आता है कि सर विलियम हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी, या व्हेन वाज एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड. तो इसका आंसर 1784 है. ड्यूरिंग हुज गवर्नर जनरलशिप एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड, तो उसका आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स होगा. तो सर विलियम जोन्स फाउंड की एशियाटिक सोसाइटी इन 1784. नेक्स्ट है, गीता वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंस. फर्स्ट टाइम जो हुआ था गीता ट्रांसलेट इंग्लिश में, तो ये चार्ल्स विल्किंस किए थे, और इंट्रोडक्टरी पार्ट को वॉरेन हेस्टिंग्स ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. ठीक है, इसके बाद अब जो हम लोग नेक्स्ट गवर्नर जनरल के पास जाएंगे उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, बटन टिप दीजिए. Thank you for your supports. Next, Lord Cornwallis 1786 से 1793 AD तक का रेन किए थे. तो ये इंट्रोड्यूस किए थे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793. ये क्वेश्चन में बार बार आता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आप बोल सकते हैं, और डेट भी इंपॉर्टेंट है 1793. इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विस इन इंडिया, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए इनको
फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी लॉर्ड कॉर्नवालिस आंसर होता है, ठीक है, ये भी 1793 एडी में ही किया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ये है कि थर्ड एंग्लो मराठा वार 1790 से 1792 में ये एंड हुआ था विथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम जो है वो कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान है। हम लोगों ने मिडिवियल में जो अब मॉडर्न में अंदर गए हैं, मिडिवियल शेष होने के बाद जो हम लोग मॉडर्न में गए हैं, तो उसके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो मरा उसमें टीपू सुल्तान के बारे में मैंने कुछ बताया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि ये हैदर अली के बेटे हैं और ये थर्ड एंग्लो मराठा वार में भी ये एक ट्रीटी के बाद एंड हुआ था ये वार। उसके बाद टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब को ज्वाइन कर दिए थे। जैकोबियन क्लब फ्रेंच क्लब है, एक जैकोबियन क्लब, और इसके बारे में मैं जनरल अवेयरनेस का पोर्शन में भी शेयर किया हूँ। अगर आपने अभी तक जनरल अवेयरनेस नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है उनका नाम है वेलेस्ली, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्योंकि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है आपके स्क्रीन पर आ गया है वेलेस्ली के बारे में। ये इंट्रोड्यूस किए थे सब्सिडरी अलायंस इन द ईयर 1798। सब्सिडरी अलायंस हम लोग जानते हैं कि पूरा ब्रिटिश का वो फोर्स अपना उस एरिया में रखेगा, वो उस स्टेट में रखेगा और उसके लिए सब्सिडी देना होगा। मतलब इंडिया का जो राजा है या रूलर है जो उस आर्मी का पूरा देखभाल करेगा और जो वेलेस्ली है वो इंटरफेयर नहीं करेगा उनके मैटर पे। लेकिन ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ये वाला चीज़ को बहुत ही सेल्डमली लिया है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे अटैक्ड, ओके। सो ये सिंपली जो भी इस सब्सिडरी अलायंस में आता था वो इन द रेन ऑफ ब्रिटिश में घुस जाता था। तो सबसे पहला जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, ये भी क्वेश्चन में आता है बहुत बार, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। डिफीटेड टीपू सुल्तान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन अराइज होता है कि हु डिफीटेड और किल्ड टीपू सुल्तान, तो वेलेस्ली थे। 1799 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट। साइन ट्रीटी ऑफ बसैन 1802 अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ बसैन हुआ था मराठाज लोग के साथ साइन फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के एंड पे, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार भी जो है वेलेस्ली के टाइम पे टुक प्लेस हुआ था। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट आएगा उनका नाम है मिंटो वन, जिसमें थोड़ा ही सा पॉइंट्स है इनके टाइम में। मिंटो वन का मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, मिंटो वन के टाइम पे 1807 से 1813 तक का वो रूल किए थे, जिसमें एक ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मिंटो वन के टाइम में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हम लोग जान रहे पंजाब में है ये, 1809 में रंजीत सिंह के साथ साइन हुआ था, रंजीत सिंह और मिंटो वन के टाइम ये दोनों के बीच में ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था। रंजीत सिंह के ऊपर में एक ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हु सेड सब लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रंजीत सिंह ने कहा था सब लाल हो जाएगा, मतलब वो रेड फ्लैग को डिनोट कर रहे थे कि पूरा रेड फ्लैग पूरा इंडिया को कवर अप कर लेगा, ये उनका अंदेशा था कि वो कर सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मिंटो वन के टाइम पे चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ये है विलियम बेंटिक, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। अब जो है बंगाल से ये पोस्ट चेंज होके इंडिया का बन गया था, तो विलियम बेंटिक के बारे में अब आपके स्क्रीन पे आएगा। अब जो हमारे स्क्रीन पे आया उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो 1828 से 1835 तक का रूल किए। इनके टाइम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ और इनको ये जो थर्ड पॉइंट मैं लिखा हूँ जो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशन का स्टार्ट किया था, तो इनके इस काम के लिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया
मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में इनका ये टाइटल था, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया का टाइटल विलियम बेंटिंक को मिला था, इसलिए क्योंकि वो इंट्रोड्यूस किए थे इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ मैकॉले मिनट्स। हम लोग सुनते हैं इसका भी आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैकॉले मिनट्स, ये 1831 में हुआ था विद लॉर्ड बेंटिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो हम लोग इससे पहले रंजीत सिंह का पढ़ा 1809 में, 1809 में मिंटो वन के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया। अब जो है ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ 1831 में साइन किया, और इनके टाइम में एक काफ़ी प्रोमिनेंट ये हुआ, सती सिस्टम का एक एक्ट पास हुआ 1829 में, सती को एबॉलिश किया गया। सती हम लोग जानते हैं कि हिंदुइज्म में एक रस्म था, जो कि अगर आपका पति मर गया, किसी भी पत्नी का पति मर जाता था, देहांत कर जाता था किसी भी रीज़न से, तो उस पत्नी को अपने आप को आग में निछावर या फिर जौहर कर देना पड़ता था। जौहर के टाइप का ही सती सिस्टम था, बस जौहर में क्या होता था कि आपको आग में कूदना था, सती में आपको जैसे भी करके मार देता था बस, ठीक है। तो इस सिस्टम के अगेंस्ट में विद द हेल्प ऑफ राममोहन रॉय ये एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। तो ये एक्ट पास हुआ है विलियम बेंटिंक के टाइम में। अब जो नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट गवर्नर जनरल है, उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, इनसे काफ़ी क्वेश्चन अराइज होता है, आप खुद ही देखिएगा क्यों। आइए पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि पूरा बोर्ड भर गया उनके इम्पोर्टेंट कारनामों से, जो कि 1848 और 1856 के बीच में काफ़ी कुछ इन्होंने किया। फर्स्ट वाला थोड़ा हार्मफुल है इंडिया के लिए, बाकी सब इंडिया के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। ये देखिए फर्स्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 में, ये जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने एक रूल लागू किया था, इसी तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये बोलता था कि अगर एक रूलर का कोई नेचुरल बर्थ नहीं होगा, नेचुरल बर्थ माने कि उसका खुद का बेटा नहीं होगा, तो वो राजगद्दी को ब्रिटिश अपने कब्जे में कर लेगा, ठीक है। तो यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, नेचुरल बर्थ नहीं होगा किसी का तो उसको वो अपने कब्जे में कर लेगा। सबसे पहला जो 1848 में किया था वो सतारा था, सतारा किया, फिर उसने झांसी को किया, और भी बहुत सारा जयपुर और दो तीन स्टेट को वो अपने कब्जे में किया। 1848 में सतारा को सबसे पहले किया था, ठीक है। तो अगर फर्स्ट आएगा कि 1848 में किसको किया तो वो सतारा, फिर 1849 झांसी, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट जो है देखिए आप, इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ, पोस्ट ऑफिस का रेगुलर पोस्टल सर्विस स्टार्ट किया 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने। फिर नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन रेलवे, जो कि बॉम्बे से थाने तक जाता था, और इसका किलोमीटर भी मैं दिया हूँ, जो कि आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी लाभदायक होगा, मतलब कि इम्पोर्टेंट होगा। अभी तक तो कोई भी क्वेश्चंस में नहीं आया है प्रीलिम्स में, मेंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि बॉम्बे से जो थाने रेलवे लाइन बना था वो कितने डिस्टेंस का है, 34 किलोमीटर, और ये बना था 1853। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेट द फाउंडेशन ऑफ टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। नेक्स्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वुड्स डिस्पैच ऑन 1854 ऑन एजुकेशन अंडर सर चार्ल्स वुड। ये सर चार्ल्स वुड उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये पोजीशन उसी टाइम स्टार्ट हुआ था थोड़े दिन पहले, और ये फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर चार्ल्स वुड के टाइम में। वुड्स डिस्पैच काफ़ी बार आता है, कब हुआ था ये भी आता है 1854 में, किस लिए हुआ था तो एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। पास्ड विडो रिमैरिज एक्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट, जैसे इससे पहले हम लोग विलियम बेंटिंक में पढ़ा था कि वो सती सिस्टम को रोके थे, वैसे ये विडो रिमैरिज एक्ट को पास करवाए थे 1856 AD में विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, और लॉर्ड डलहौजी के बारे में ये है कि इनके टाइम पे सेकंड बर्मीज़ वार हुआ था 1852 में, और ही वॉज़ द यंगेस्ट
टू होल्ड ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल, और ये फेमस है खाली वही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए। और इनके टाइम में जितना भी था मैं ऑलमोस्ट पूरा ही दे दिया हूँ आपको डिटेल। अब जो नेक्स्ट है उनका नाम लॉर्ड कैनिंग है। उनके टाइम में ज़्यादा कुछ हाई फाई तो नहीं हुआ जब तक वो गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट जो लॉर्ड कैनिंग है 1856 से 1858 तक का लॉर्ड कैनिंग, ये 1856 से 1858 तक ही रहे। इनफैक्ट ये रहे नहीं, इसके बाद जो अब गवर्नर जनरलशिप ख़त्म हो गया, अब वॉइसरॉय जो स्टार्ट हुआ, तो इनके लिए यही क्वेश्चन आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग होता है। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वो भी लॉर्ड कैनिंग है। इनके टाइम में हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों के बीच में एक इवेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट 1857 का रिवॉल्ट, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं कि लॉर्ड लॉरेंस के बारे में है, और उनके बारे में कुछ ज़्यादा हाई या ज़्यादा पॉइंट्स मिला नहीं। उनके टाइम में एक ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ, ये कि हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1865। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होता है। ये पहला, ये चीज़, ये तीनों जो है, ये तीनों को हम लोग प्रेसिडेंसी स्टेट्स भी बोलते हैं, प्रेसिडेंसी स्टेट्स। यहीं पर सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी जब स्टार्टिंग हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो भी कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में बनता है। हाई कोर्ट है वो भी कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में बनता है। जो भी है, ये तीनों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी माना जाता था ब्रिटिश के टाइम पे। ठीक है, तो 1865 में हाई कोर्ट तीनों जगह इस्टेब्लिश हुआ अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये सब इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सब हम लोग पॉलिटी को जब डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मायो। इनके टाइम में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम हुआ, जैसे कि फर्स्ट टाइम सेंसस अनऑफिशियली हेल्ड हुआ इंडिया में 1871 में। ऑफिशियली होता है लॉर्ड रिपन के टाइम में, ठीक है, ये है अनऑफिशियली सेंसस। सेंसस हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन हर 10 साल में होता है, 10 ईयर्स में। सेंसस के बारे में भी मैं एक वीडियो दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में शॉर्ट नोट्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सेंसस 2011 के बारे में पूरा इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दिया हूँ, और सेंसस के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी है उसमें। तो ही सेट अप मायो कॉलेज एट अजमेर इन 1872, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट अननोन फैक्ट है ये, किसी को नहीं पता है बहुत कोई को। मैं तो अभी तक ज़्यादातर चैनल्स में ये वाला पॉइंट को गो थ्रू कभी किया ही नहीं हूँ, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं जहाँ से निकाल रहा हूँ उसका नाम कृष्णा रेड्डी है और उसमें काफ़ी डीप नॉलेज रहता है हिस्ट्री के बारे में। फाउंडेड स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1872, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन फाउंड किया, तो वो लॉर्ड मायो होगा आंसर, और कब किया, 1872 में। और इनको मर्डर कर दिया गया था ऑफिस इन अंडमान में 1872 में, और जो किया था उसका क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है लेकिन आने का चांसेस है, तो उनका नाम है शेर अली अफरीदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन टिप दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से, और इसका एक और पार्ट आएगा, क्योंकि मैं तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर सका और ऑलमोस्ट 19 मिनट्स गो थ्रू हो गया। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी का सेकंड पार्ट, उसमें मैं पूरा कवर अप कर दूंगा, ठीक है, उसमें ये गो थ्रू रहेगा, क्या बोलते हैं आपका, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और चेम्सफोर्ड, इरविन और माउंटबेटन। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।